अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासरीपाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4A है जो न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 है, उसका पार्ट 2 जो 8th क्लास में स्टूडेंट स्टडी करते हैं वो है एक्सरसाइज 4A। क्योंकि इसमें एक्सरसाइज 4A एक पार्ट 7th वाले में है, यानी जो 7th क्लास में पढ़ाया जाता है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 जो 8th क्लास का है उसकी एक्सरसाइज 4A है, तो इसलिए दोनों को का डिफरेंस था मैंने बताया। अब उसने नंबर हमें दे दिए हैं ये वाले 29, 42, 45, 39, 36, 47, 38, 37, 43, 35, 32 and 40 दे रहे नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन कोचेज ट्रेवलिंग अलॉन्ग 12 पॉपुलर रूट्स आर दिस, फाइंड द मेन नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन कोचेज। कह रहा है कि भाई एक नंबर ऑफ पैसेंजर जो हैं, कुछ मुसाफिर हैं जो कि कोचेज़ पर ट्रैवल करते हैं 12 डिफरेंट रूट्स पर, जिसमें उसने रूट बताए हुए हैं कि भाई इसमें इतने 29, 42, 45 इतने इतने जो है पैसेंजर सफ़र करते हैं, तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन दी कोचेज़ के, इसका हमने मीन फाइंड करना है सादे अल्फाज में, कि उसने ये नंबर दिए हैं और कह रहे हैं इनका मीन फाइंड करो। तो मीन का सबसे पहले क्या है कि आप इसको ना, मैं थोड़ा सा चाहूँ तो अरेंज करके लिख सकता हूँ प्रॉपर एक सीक्वेंस में, छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिख सकता हूँ, चाहें तो आप इसी तरह जिस तरह नंबर गिवन है उसी तरह लिखते हैं। तो अरेंज करने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं मीन का। अब मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, आप बोलें तो कह सकते सम ऑफ नंबर भी आप कह सकते हैं, इसलिए स्लैश में मैं नंबर लिख दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर या टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या आप लिख लें टोटल नंबर, जस्ट टोटल नंबर लिख लें, यहाँ तक लिख लें। ये तो सिंपल सा क्या है फार्मूला है। तो अब हम सम ऑफ टोटल नंबर कहें कि सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर, फिर उससे अगला सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर, और उसके बाद 39, देन 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32 एंड 40 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो 12 के किस तरह हो गए, 12 का मतलब ये 12 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, तो ये टोटल 12 उसने खुद बताए हुए भी हैं। तो इन सबको अगर हम ऐड करें कैलकुलेटर पे, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास टोटल नंबर को ऐड करो तो 457 डिवाइड बाय 12 आ जाता है, 457 डिवाइड बाय। अब इसको हमने 12 पे डिवाइड कर लेने, तो 12 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है जी 38.08333 इस तरह। तो सिंपल सा इसका हम मीन लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू 38.08 लिख लें, या 38 पॉइंट आप चाहें तो 1 लिख लें पॉइंट, इसे 1 कर दें, तो ये आपके पास सिंपल सा जो है इसका मीन आ गया। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी तरह ही है, जिसमें क्वेश्चन 2 नहीं में कराता क्योंकि सिंपल से हैं, उन्हें सिर्फ जस्ट उसने पॉइंट में दिया हुआ है, तो आपने तमाम नंबर को जो उसने वैल्यू दी हुई है उन सबको ऐड करके जितनी दफ़ा नंबर है उस पर डिवाइड कर लेना। अगर 5 टाइम यानी टोटल जो नंबर है वो 10 है तो 10 भी डिवाइड करोगे, 4 है तो 4 भी डिवाइड करोगे, 5 है 5 पे। तो इसमें अभी मैं क्वेश्चन नंबर आपको इसका 7 कराऊँगा, सॉरी 3, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो सॉरी मैंने मिटा दिया, आप थोड़ी बेशक वीडियो को पॉज करके आप ये उतार सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फार्मूला भी मैंने मिटा दिया, क्वेश्चन को भी मिटा देता हूँ, फिर फार्मूला तो लिखा गया था तब भी ठीक था, क्वेश्चन जो है वो 3 आ गया। उसमें वो ये कह रहा है कि द मीन ऑफ 7, 15, 12, 5, 7, 15, 12 इन सब के साथ कह रहा है 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देन 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, एंड 13 सेंटीमीटर इज 10। फाइंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड एच, इसने नंबर दे दिया 7, 7, 15, 12, 5, 8, 13। कह रहा है कि ये जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5,
छः, सिक्स जो नंबर है इनका जो मीन है वो 10 है, तो h की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम क्या करेंगे, मीन का फार्मूला लगाएंगे। मीन का फार्मूला क्या होता है, इन सब नंबर को ऐड करने हमने 7 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर देन 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय लिख देंगे जी 6। और मीन जो है, ये जो लिखा हुआ है मीन, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 10। फार्मूला पिछले वाले जो क्वेश्चन में मैंने लिखा है वो आपने इसी तरह इसी के ऊपर लिख लेना। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इसलिए मीन जहाँ था उसने कहा हुआ था कि भाई मीन जो है वो उसने हमें खुद दे दिया कि मीन जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसलिए यहाँ मीन आते हैं, मीन की जगह मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये हो जाएगा जी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, इन सबको मैंने ऐड करना है, ठीक है जी, ऐड करना है। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, ऐड कर लेते हैं जी हम इनको कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 13, तो 52 आ गया। 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 13 52, ये मेरे पास आ गया जी 52 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6, नहीं 6 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 सेंटीमीटर। तो 6 इधर तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरे पास कितना है आया था 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये तो एच है ना, एच तो हमने फाइंड करना है, एच तो नंबर में ऐड ही नहीं हो सकता, ये तो क्या अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट किसी नंबर में तो ऐड नहीं हो सकता, इसलिए ये एच एज इट इज़ रहेगा, एच के अलावा जो कांस्टेंट नंबर है उनको हमने ऐड कर लिया। तो ये 10 6 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। ये जो 52 है इधर इसने आके क्या हो जाना है, सब्ट्रैक्ट हो जाना है, जब ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो पीछे कितना बचेगा जी 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, बेशक इसके साथ यूनिट डाल अब ना लिखें, तो h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था 3 ये भी हो गया। आई होप कि इस क्वेश्चन में पहले में हमने मीन फाइंड किया, दूसरे में उसने मीन दिया हुआ था, एक वैल्यू मिसिंग थी, उसने उसने कहा था कि भाई बताएं कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है जी 8 आता है। तो 8 अगर आप ऐड करें इसमें, यहाँ 8 लिखें, सबको ऐड करें, 6 भी डिवाइड करेंगे, तो जो उसने 10 दिया हुआ है मीन वही आपका मीन आएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।